सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही सुंदर कहानी लाई हूँ। कहानी का नाम है जामुन का पेड़। कहानी के नाम से लगता है शायद ये कहानी कुछ फलों पर आधारित होगी या कुछ बच्चों की होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की कहानी सभी के लिए है। एक्चुअली आज की कहानी तो साहित्य का दर्पण है या यूं कहिए समाज का दर्पण है, हमारी शासन प्रणाली का दर्पण है। इस कहानी के रचयिता कृष्ण चंद्र जी हैं। कृष्ण चंद्र जी आम जनता की बोली और उनकी वेदनाओं को समझने वाले साहित्यकार थे। आपने बहुतेरी कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, साथ ही रेडियो एवं फिल्मों के लिए भी कई नाटक लिखे। आपका व्यंगात्मक उपन्यास गधे की आत्मकथा बहुचर्चित है और बहुत लोकप्रिय भी हुआ। प्रेमचंद जी के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी कला को, विद्या को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उसमें कृष्णचंद्र जी का नाम अग्रणी है। आपने सामाजिक राजनीतिक विषमताओं पर बड़ा ही तीखा व्यंग किया है। आपकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है। आइए देखते हैं कहानी जामुन का पेड़। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी को बड़ा मजा आएगा इस कहानी में। बस ध्यान से देखिएगा और पूरी कहानी देखिएगा। मगर उससे पहले आपने अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया ना? अगर नहीं किया तो अब से कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी तो आप अपडेट रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं कहानी जामुन का पेड़। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। रात का समय है और रात में बड़ी जोर की आंधी आई है। सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन का एक बहुत बड़ा पेड़ था और वो गिर पड़ा। सुबह को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास जाता है और चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास जाता है। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास जाता है। देखिए जरा क्या दौड़ लगी है। और सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ जमा हो जाती है। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। कौन बोल रहा है? एक क्लर्क कहता है। और इसकी जामुने कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क याद कराता है। सभी को अब जामुन के पेड़ और उसके फलों की याद आ रही है। मगर जो आदमी बेचारा नीचे दबा पड़ा है उसका दर्द कोई नहीं देख रहा है। मैं फलों के मौसम में छोली भर कर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुन को कितने खुश होकर खाते थे। ये तीसरे क्लर्क का दुख है और बड़ा ही उनको दर्द भी है। मगर यह आदमी माली जो बेचारा उस दबे हुए आदमी के दर्द से दुखी है, उसकी तरफ सबका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। हाँ यह आदमी सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया, पता नहीं जिंदा है कि मर भी गया। एक चपरासी ने पूछा, मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरेगा वो कैसे बच सकता है, दूसरा चपरासी बोलता है। और तभी वो आदमी बेचारा जो दबा पड़ा है अंदर से बड़ी मुश्किल से बोलता है, नहीं मैं जिंदा हूँ। एक क्लर्क बड़े ही आश्चर्य से बोलता है, अरे यह आदमी जिंदा है। माली ने तभी सुझाव दिया, इस पेड़ को जल्दी से काट कर निकाल लेना चाहिए इस आदमी को। तभी एक मोटा चपरासी बोलता है, मुश्किल मालूम पड़ता है, क्यों? क्योंकि वह बहुत आलसी है, कामचोर जो है। पेड़ का तना बहुत मोटा और वजनी है। जब हम काम नहीं करना चाहते तो बहुत तेरे बहाने होते हैं हमारे पास। जब हम दूसरे के दर्द से दुखी नहीं होते तो हमारे पास अपने आप को बचाने के लिए बहुत बहाने होते हैं। माली बेचारा उस आदमी के दर्द से बहुत दुखी है और बोलता है, क्या मुश्किल है, अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली चपरासी और क्लर्क लगाकर दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। तभी सारे क्लर्क्स जो खड़े हुए अभी तक जामुन के पेड़ और उसके फल के बारे में सोच सोच कर दुखी हो रहे थे,
उन्हें ध्यान आता है कि शायद ये माली ठीक कह रहा है। लगाओ जोर, हम सब तैयार हैं। एक साथ बहुत सारे लोग पेड़ को उठाने के लिए तैयार हो गए। तभी सुपरिटेंडेंट साहब आते हैं और जोर से बोलते हैं, ठहरो ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ तो लूं। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास जाता है, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास जाता है और डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाता है, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास जाता है। जरा देखिए क्या चेन है। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा और डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, बस चलती ही रही। इसी तरह से आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने का समय हो गया। तमाशा देखने वाले लोग तो बहुत होते हैं ना, यहाँ पर भी भीड़ जमा हो गई थी। सब लोग उस दबे हुए आदमी को देख रहे हैं और कुछ लोग उस जामुन के पेड़ को, और कुछ लोग दुखी हो रहे हैं कि हाय अब वो मीठे फल नहीं मिलेंगे। तरह तरह की बातें हो रही हैं और कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में फिर से सुपरिटेंडेंट साहब फाइल लिए भागे भागे आए। बोले, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कि कृषि विभाग के अंतर्गत आती है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। बेचारा आदमी जो पेड़ के नीचे दबा पड़ा है, कराह रहा है, किसी को उसका ध्यान नहीं है। और इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आता है कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए हम इस पेड़ को हटवाने या कटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग को देते हैं और यह कार्य उन्हें ही करना पड़ेगा। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और तुरंत लिखा कि पेड़ को हटवाने या कटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। और इसी तरह दूसरे दिन भी फाइलें यहां से वहां चक्कर लगाती रहीं। शाम को जवाब आता है। क्या जवाब आता है? आता है कि इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ था और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामलों पर फैसला करने का हक नहीं रखता। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से किसी तरह दाल भात खिलाया, यानी कि दाल चावल, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथों में न ले लें, पेड़ को खुद ही हटाने की कोशिश न करने लगें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है भैया, उम्मीद है कल तक कुछ फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोल पाया, बेचारा दर्द से डूबा था, कराह रहा था। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करता हूँ। आदमी ने कहा बड़ी ही हताशा से, निराशा से, मैं लावारिस हूँ भैया। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से ये जवाब दिया था। माली क्या करता, ना पेड़ हटा सकता था, ना कानून को हाथ में ले सकता था, बस उस दबे हुए आदमी के दर्द में दुखी हो रहा था और वो दर्द लिए वो अपनी कोठरी में चला जाता है। इसी तरह फाइलें नाचती रहीं और दूसरा दिन भी बीत गया। शुरू होता है तीसरा दिन और आज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा ही करारा और व्यंगपूर्ण जवाब था। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम बड़े ही ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं
जो पेड़ को काटने का सुझाव देते हैं, और वो भी एक फलदार पेड़ को जो कि जामुन का पेड़ है, जिसे सारी जनता बड़े ही चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? एक मनचला आदमी वहीं खड़ा सारी कहानी सुन रहा था और देख रहा था। कहता है, जब हम पेड़ नहीं काट सकते तो बेहतर है इस आदमी को ही काट कर निकाल लो, बेचारा कितने दर्द में है। और तभी देखे, ये बात एक मस्खरे ने करी थी, मगर वो थोड़ा गंभीर हो जाता है और कहता है, इस आदमी को अगर हम धड़ से काट दें तो आधा इधर से निकल आएगा और आधा उधर से निकल आएगा, पेड़ वहीं का वहीं रह जाएगा। तभी वो आदमी कहता है, अरे भैया इस तरह तो मैं मर ही जाऊंगा। दबा हुआ आदमी जो कि बेइंतहा दर्द में है, मगर फिर भी पूरी तरह से सजग है। तभी एक क्लर्क बोलता, हाँ भाई ये तो बात ठीक है, अगर हम काटेंगे तो आदमी मर नहीं जाएगा। तभी आदमी को काटने वाली युक्ति सुझाने वाले व्यक्ति ने बड़े ही विरोध के साथ कहा, आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नत हो चुकी है, कितना विकास कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ दिया जाएगा। लोगों की कैसी कैसी सोच है, सचमुच दया आती है और कभी कभी घृणा भी होती है। देखिए, फाइल ने फिर से नाचने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया। जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची, उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह से टटोला, उसका स्वास्थ्य देखा, नाड़ी देखी, खून का दबाव देखा, दिल और फेफड़ों की भी जांच कर डाली, रिपोर्ट भेज दी। इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी तो मर जाएगा, इसीलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया, यानी कि कैंसिल कर दिया गया। माली को उस आदमी पर बहुत ही दया आ रही थी, बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा था, मगर जो संभव था वो कर रहा था। रात को फिर उसने उस आदमी के मुंह में बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी खिचड़ी डाली और बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है, सुना है कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। बेचारा दबा हुआ आदमी एक आह भरता है और कहता है, ये तो माना कि तंगा फुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली एकदम आश्चर्य में पड़ जाता है और थोड़ी देर तक उस दबे हुए आदमी को देखता ही रह जाता है और पूछता है, अरे भाई क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने बड़े धीरे से सिर हिलाया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने फिर से क्लर्क को, क्लर्क ने हिटलर को, थोड़ी ही देर में सेक्रेटरिएट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। हाँ शायर है, बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई, शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरिएट का लॉन तरह तरह के कवियों से भर गया। दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविता और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसकी अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। किसी को उसका दर्द नहीं दिख रहा है, उसकी तकलीफ नहीं दिख रही है, कैसा है हमारा समाज। सबको ये पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि हाँ
एक और आश्चर्यजनक फैसला। क्योंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलवाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। देखिए जरा, यह है हमारा समाज। और पूछते हैं, हाँ भाई, क्या तुम कवि हो? दबा हुआ आदमी बेचारा बड़ी मुश्किल से बोलता है, जी हाँ साहब। फिर पूछते हैं, किस नाम से शोभित हो? ओस। अपना नाम बोलते हुए थोड़ी सी जान आ जाती है। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने, जो कि बेचारा दर्द से कराह रहा है, फिर भी बोलता है, जी हाँ मैं वही हूँ। फिर पूछते हैं, क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी साहब अभी भी उसे सवाल ही पूछ रहे हैं। जी हाँ, अभी भी उससे सवाल ही पूछ रहे हैं। कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं किस तरह उस बेचारे का दर्द कम किया जा सके, उसको निकाला जा सके। तब वो आदमी बोलता है, नहीं, मैं आपकी अकादमी का मेंबर नहीं हूँ। आश्चर्य है, सेक्रेटरी साहब जोर से चीख पड़ते हैं, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक, हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि, कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। बेचारा आदमी तब बोलता है, हुजूर, मैं गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा पड़ा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। गुजर गया। हाँ, फाइलें नाचती रहीं, वक्त गुजरता रहा और बेचारा आदमी पेड़ के नीचे पड़ा कराहता रहा। दूसरे दिन सेक्रेटरी साहब भागे भागे कवि के पास आते हैं और बोलते हैं, मुबारक हो भाई, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, क्या लो चुनाव पत्र। हद हो गई है, कैसा प्रशासन है, कैसा समाज है, किसी के दर्द से किसी को मतलब ही नहीं होता। दबा हुआ आदमी करा कर चीख कर गुस्से में बोल पड़ता है, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। उसकी सांसें बड़ी मुश्किल से चल रही हैं, उसकी आंखों से मालूम होता है कि वह बेइंतहा पीड़ा में है, बेइंतहा दर्द में है, मगर इतने लोग खड़े हैं, किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सेक्रेटरी साहब सिर झुका लेते हैं और कहते हैं, माफ करो भाई, ये हम नहीं कर सकते, हम जो कर सकते थे वो हमने कर दिया, बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं, यानी कि पेंशन दे सकते हैं, अगर तुम दरखास्त दो तो हम वो कर सकते हैं। बेचारा आदमी जो जिंदा है, जो दर्द से तड़प रहा है, उसकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सबको चिंता क्या है, कैसे हम उसको भुना सकते हैं, कैसे हम उसका फायदा ले सकते हैं। तभी वो आदमी बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, साहब मैं अभी जिंदा हूँ। कभी रुक रुक कर बोलता है, मुझे जिंदा रख लो ना। सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी बड़े ही दुख से हाथ मलते हुए कहता है, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है, उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। शाम हो जाती है, वक्त भला कभी किसी के लिए रुका है क्या? बस वक्त चलता ही रहता है, घड़ी आगे बढ़ती ही रहती है। एक और शाम माली बेचारा फिर आता है उस दबे हुए आदमी के पास और कहता है, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली थोड़ा खुश होता है, सच कहें तो शायद उस आदमी के दर्द से दुखी था तो सिर्फ माली, वो बहुत परेशान था। दबे हुए आदमी का श्वास जवाब दे रहा था, सांसें साथ नहीं दे रही थीं, मगर वह किसी ना किसी तरह अपने जीवन के लिए हर पल
लड़ रहा था। कल तक, कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये कहानी बड़ी ही सत्य साबित होती है। दूसरे दिन, हाँ एक और नया दिन, देखते हैं शायद आज फाइलों का नाचना बंद हो जाए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी आता है, फाइनली आरी और कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उस पेड़ को काटने से रोक दिया गया। किसने, है ना एक नया प्रश्न चिन्ह। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को ना काटा जाए। क्यों? क्योंकि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काट दिया गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। राजनीति इसे कहते हैं। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्ला ही पड़ता है, दूसरी ओर से दूसरा क्लर्क बोलता है, मगर ये दो राज्यों के संबंध का सवाल है, और बोलता है, हाँ अगर हम कुछ कह रहे हैं तो अपनी बात पे वजन तो रखना ही पड़ता है ना। कहता है, जरा ये तो समझो, पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है, क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान नहीं दे सकते? कवि को मर जाना चाहिए, निसंदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं, आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा, जो वो फैसला देंगे वही सबको स्वीकार करना पड़ेगा। फिर से इंतजार, हाँ फिर से इंतजार की घड़ियां शुरू हो जाए। बेचारा आदमी सुन रहा है, सब सुन रहा है, मगर कर कुछ नहीं सकता, कितना बेबस है। शाम के 5 बज गए, सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उनके पास जाता है और बहुत ही खुश खुश हंसते हुए मुस्कुराते हुए आता है, कहता है, प्रधानमंत्री जी ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है, कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा पालोगे, आज तुम्हारी फाइल पूरी हो गई, फाइल की यात्रा समाप्त हुई। मगर हाँ, मगर कवि की भी जीवन यात्रा समाप्त हो गई, हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे, आंखों की पुतलियां स्थिर हो गई थी, उसके चारों ओर चींटियों की एक लंबी लाइन लगी थी, क्योंकि उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, मुझे पूरा विश्वास है आपको समाज का दर्पण दिखा होगा, प्रशासन का दर्पण दिखा होगा और हमको, हाँ हम सबको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है, और हमारे बच्चों को, हाँ हमारे बच्चों को बहुत सीखने के लिए मिलता है। हम इसीलिए आज अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कि वो पराधीन ना हो, कार्य करने की हिम्मत हो उनमें। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी, सब्सक्राइब करिए, और कहीं सत्यता की थोड़ी सी भी झलक दिखी तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर कहीं कोई संदेह है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अपने अगले वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब दूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी ही मिलते हैं कुछ नई कहानियों के साथ। थैंक यू सो मच।